कुछ ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने संगीत के संवर्धन और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यंग उत्तराखंड प्रतिवर्ष आपके बीच ऐसी ही महान लेजेंडरी सिंगर्स को सम्मानित करते आया है। और इस वक्त पे अब समय आ चुका है हमारे एक ऐसे ही लेजेंडरी सिंगर को हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं, और हम गौरवशाली महसूस कर रहे हैं इस वक्त पे उनके योगदान को लेके। आइए सबसे पहले एक क्लिप देखते हैं। छंदिया बौजू छाना बिलोरी को घामा। भले ही आज की युवा पीढ़ी के लिए ये संभव हो सकता है कि वो इस मधुर खनकती छनकती कालजयी और सुरीली आवाज से अनभिज्ञ हो, लेकिन 60-70 के उन दशकों को कौन भूल सकता है जब यही आवाज आकाशवाणी के लखनऊ, नजीबाबाद, रामपुर आदि केंद्रों से उत्तराखंड के हर घर तक गूंजती रहती थी और बड़े चाव के साथ सुनी जाती थी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती बीना तिवारी जी की। कुमाऊं गढ़वाल के हर घर में अपने गाए सुमधुर गीतों के माध्यम से आम जन के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाने वाली श्रीमती बीना तिवारी जी ने आकाशवाणी के माध्यम से कई लोक गीतों को स्वर प्रदान करके उनके संरक्षण एवं प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेरदान पढ़ के साथ गाया आपका गीत ओ परुआ बौजू चपल के लहजा यस कुमाऊं के लोगों की जुबान पर होता था। स्कूलों व कई दूसरे तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस गीत का बहुत बड़ी मात्रा में मंचन किया जाता था। इनके अलावा आपके द्वारा गाए गए कुछ प्रसिद्ध गीत पारा भीड़ा पुरुषी फुली छ आलीली बाकरी श्रीमती बीना द्वारा गाया गया भावपूर्ण मार्मिक विदाई गीत बटला की बरियात चली भेट डोली मा जा तेरा स्वराज चली भेट डोली मा नी लगन सास चली भेट डोली मा आज भी लोगों द्वारा खूब सुना जाता है। ये उस दौर का गीत है जब न कैसेट्स आए थे, रिकॉर्ड्स प्लेयर हर किसी के पास नहीं थे, तब आकाशवाणी की प्लेलिस्ट का यह सबसे लोकप्रिय गीत हुआ करता था। बीना तिवारी जी ने अपनी लोक संगीत गायन यात्रा में उत्तराखंड के कई लोक गायकों के साथ गायन किया, जिनमें मुख्यतः ब्रजेंद्र लाल शाह, शेरता अनपढ़, गिरीश तिवारी गिरदा, रमेश जोशी, गोपाल बाबू गोस्वामी प्रमुख थे। उत्तराखंड के लोकगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए आज यंग उत्तराखंड संस्था अपनी इस महान लोक गायिका को यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स के मंच पर गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर अवार्ड से सम्मानित करने पर गौरवान्वित है। जोरदार तालियां आदरणीय बीना तिवारी जी के लिए। हमारा यंग उत्तराखंड की तरफ से सौभाग्य है कि आज हमें आपको लेजेंडरी सिंगर से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा मंगेश खिल्डियाल जी आपसे, सीमा डेंटल की जो टीम यहाँ पे है उनसे, K3S SM नेगी जी आपसे, आप लोगों से निवेदन है कि मंच पे आए और सम्मानित करें लेजेंडरी अवार्ड के साथ में बीना जी को। जोरदार तालियां इस अमूल्य खूबसूरत दृश्य के लिए।
आदरणीय वीना तिवारी जी हमारे समक्ष हैं। हम सबका सौभाग्य है आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। लेजेंडरी सिंगर अवार्ड आदरणीय वीना तिवारी जी। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ वीना जी से, यदि आप दो शब्द अपने मन की बात सबके सामने रखें। रोमुके झुमुके अगे नीला समुद्रा बटी संध्या उत्तराखंड के 10वें सिने अवार्ड आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपकी आभारी हूँ कि आपने जीवन के ऐसे क्षण में मुझे याद किया जब हमारा युग निकल चुका है। राजधानी दिल्ली में आकर आप सबसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। 60-70 के दशक में जब मैंने कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों की शुरुआत की थी, न तो तब ऐसे साधन थे और न ही महिलाएं ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा आती थीं। मैं इस मौके पर वंशीधर पाठक जिज्ञासु जी को याद करती हूं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद करी। मैंने इस कार्यक्रम के ज़रिए कई गीतकारों के गीतों को स्वर दिया, जिनमें श्री गोपाल दत्त भट्ट जी, चारूचंद पांडे जी, श्री वंशीधर पाठक जिज्ञासु जी और भी कई लोग थे जिनको मैंने आवाज़ दी। मैं आज की नई पीढ़ी के उन कुछ लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे नया जीवन दिया है, मुझे नई पहचान दी है और मुझे आप लोगों से दोबारा परिचय कराया, जिनमें श्री चारू तिवारी जी, श्री दयाल पांडे जी, श्री माही सिंह मेहता जी, श्री हेमचंद पंत जी और पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री जगमोहन रौतेला जी और श्री नवीन चंद जोशी जी, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में सहायता करी। मैं और क्या कहूँ, मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाकर जो सम्मान दिया है, मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप लोग सब, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और विवेक पटवाल जी का और उनकी टीम का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और आज यहाँ पर आमंत्रित करके ये सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप सभी लोगों से और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार वीना तिवारी जी के लिए। आज उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है उत्तराखंडी म्यूजिक में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए।